ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए आर इन जी पी और ये कोई टर्म है बड़ा वाला ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो पहले हमें जो दिया है उससे हमें ये पता चल रहा है कि बी माइनस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और सी माइनस ए अब मैं इसको अगर एक्सपैंड कर दूं तो बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी हैबिट रखो अल्फ़ाबेटिकली लिखने का वैल्यू अब सबको एक साइड अगर मैं लेके जाऊं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वा माइनस इधर एक बी सी है इधर माइनस टू बी सी है तो माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो एक वैल्यू मुझे मिल रहा है तो मैं इसको डॉट 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 करके वन लिख के रखता हूं अब मुझे ढूंढना क्या है वैल्यू ढूंढना है ए प्लस बी द प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर देता हूँ जैसे मैंने बोला ए पहले लिखूंगा इसी बाद में लिखूंगा तो अगर इसको एक्सपैंड करते हैं ना तो क्या होता है पता है पहले तीनों का टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर फिर अभी टू टाइम्स पहले दो टर्म टू टाइम्स सेकेंड और थर्ड टर्म टू टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म ऐसे इसका एक्सपेंशन होता है और फिर माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री ए सी तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायेर प्लस सी स्क्वायर ये टू ए बी है माइनस थ्री है तो माइनस ए बी टू बी सी है माइनस थ्री है माइनस बी सी टू ए सी है माइनस थ्री है माइनस ए सी यहाँ तक पहुँचा और अभी इधर से आंसर मिल गया ना इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं तो ये जो टर्म है उसका एक्सपेंशन का आंसर क्या आएगा ज़ीरो आएगा